2 अक्टूबर 1869 को जन्म मोहनदास करमचंद गांधी से बापू महात्मा गांधी बनने की और देश को आज़ादी दिलाने तक की कहानी की पहली रित भारत से दूर दक्षिण अफ्रीका में देखी गई, जहां गांधी जी को नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा। You bloody Indian! अंग्रेजों ने मुझ पर नहीं अपनी हुकूमत पर लात मारी। मैं इसका जवाब दूंगा, मगर क्रोध और अन्याय से नहीं, बल्कि सच्चाई को अपना ढाल और अहिंसा को अपना तलवार बनाकर। बापू, हमारी क्रोध की ज्वाला भड़क उठी है, हम अंग्रेजों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। याद रहे कि आंख के बदले आंख सारे विश्व को अंधा कर देगी। हम इसका जवाब देंगे और हमारी अहिंसा की गूंज इनके हिंसा की शोर से ज्यादा ताकतवर होगी। नहीं बापू, अब खून का बदला खून से होगा। चलो सब लोग, खून करना है तो करो, प्रहार करना है तो करो, मगर उनकी सोच पर, उनके विचारों पर, ताकि उनका मनोबल टूट जाए। हम अहिंसा का आंदोलन छेड़ेंगे। आज से हम विदेशी कपड़े त्याग देंगे और खादी के कपड़े ग्रहण करेंगे। हमारा नमक खाया, वो आज हम पर ही नमक का कानून लगाकर अपनी नमक हरामी पर उतर आए हैं। नमक कर कानून लगाकर उन्होंने प्रकृति के नियम का उल्लंघन किया है। हम दांडी तक मार्च करेंगे और वहां जाकर नमक बनाएंगे। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च निकाला और 400 किलोमीटर पैदल चले। चले गांधी जी, मगर पसीने अंग्रेजों के छूट गए। हम सब एक हैं, एक रहेंगे। हमारे देश का नमक हमारे खून में दौड़ रहा है और जो हमें अलग करने की कोशिश करेगा, हम अपनी आवाज से उसका नामो निशान मिटा देंगे। हम करोड़ों जरूर हैं, मगर हमारी आवाज एक है। गांधी आंदोलन की सफलता से अंग्रेज पूरी तरह चिंतित थे और गांधी जी को 6 सालों के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया।
पहले वो आप पे ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पे हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। मिस्टर गांधी, तुम हमारा साथ दो, हम तुमको मालामाल कर देगा, वरना तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा कर देगा और इस जमीन में काट देगा। तुम मुझे मार सकते हो, मगर मेरे विचारों को कैसे मारोगे? मिस्टर गांधी, हम तुमको ऐसा मौत मारेगा कि दूसरा गांधी पैदा होने से पहले ही कांपे। तुम्हारे लिए तो एक ही गांधी काफी है। चलो 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 चलो। लंबे सफर के बाद गांधी जी ने ये तय किया कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा। भारत छोड़ो आंदोलन छेड़कर हजारों मुसीबतों का सामना करने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. वंदे मातरम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज से ये देश स्वाधीन भारत कहलाएगा।